Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue with our same chapter, that is Glimpses of India. This is your seventh chapter. Clear? From the book, First Flight. So, but as you know, we already completed two stories of this chapter. First one is A Baker of Goa and second is the Coorg in Karnataka. जैसे आपको पता है बेकर्स ऑफ इंडिया हमने डिटेल में पढ़ी थी और किस तरह से वहां पे बेकर्स को जो आज भी फेमस है वहां के जो है जो इक्विपमेंट्स वो यूज करते थे वो भी आज वहां पे है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, ये सारी चीजें अभी भी अवेलेबल है, भट्टियां फर्नेसेज हैं बड़ी बड़ी सभी प्रेजेंट है और किस तरह से वहां के लोगों को और क्या बोलते हैं वहां पे बेकर्स को पाधेर कहते हो, किस तरह से वो ट्वाइस इन अ डे जो है वो पर डे दो दिन में एक दिन में दो बार ही आते हैं किस तरह से और लास्ट में जो है किस तरह से वो अपना अकाउंट कैसे वॉल में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और लास्ट के मंथ एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ दे कलेक्टेड द मनी फ्रॉम ईच हाउस. तो ये हमने डिटेल में पढ़ी थी बेकर्स से. सेकेंड स्टोरी हमने पढ़ी थी कुर्ग इन कर्नाटका. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक पीस कहते हैं बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटिफुल. और यहाँ की अगर ग्रीनरी देखेंगे या वेदर देखेंगे तो बहुत जो है अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को. क्लियर? तो इसको हमने पढ़ा था. और जो फर्स्ट हमारे जो करियप्पा थे वो भी आर्मी चीफ जो थे वो भी कहाँ के थे, कुर्ग के. तो ये दो स्टोरी भी ऑलरेडी कंप्लीटेड. आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी ना. थर्ड स्टोरी इज योर टी फ्रॉम असम. सबको पता है टी फेमस कहाँ की है, असम की. आप लोग सबके घर में जो है ड्रिंक की जाती है. और जैसे कल राजवीर ने किसको बताया था, प्रांजोल को. प्रांजोल क्या होने, प्रांजोल वॉज बॉर्न इन असम, बिलोंग करता है असम को. और राजवीर ने जो बुक से कलेक्ट करी थी नॉलेज ये किसको बताई थी, राज प्रांजोल को बताई थी कि किस तरह से 80,000 करोड़ कप ड्रंक एवरी डे इन द वर्ल्ड. पूरे अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो 80,000 करोड़ कप ड्रंक एवरी डे इन द वर्ल्ड. तो ये कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी उन्होंने, फ्रॉम द बुक. सेकेंड उसने बताया था टू लेजेंड, हु डिस्कवर्ड टी, किसने डिस्कवर्ड करी थी टी. तो ये आई होप आप लोगों को भी नहीं पता थी. अभी हमने जो है यस्टरडे वी डिस्कस द टू लेजेंड्स. फर्स्ट हमने पढ़ी थी चाइनीज एम्परर की, अगर आपको याद होगा बच्चों. टी फ्रॉम असम. तो यहां पे जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम पढ़ रहे हैं कन्वर्सेशन बिटवीन प्रांजोल एंड राजवीर और उसके फादर. तीन करेक्टर है, मेन करेक्टर, थ्री मेन करेक्टर इन दिस स्टोरी. टी फ्रॉम असम, प्रांजोल, राजवीर एंड प्रांजोल्स फादर, जो कि कौन है, एक मैनेजर है ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम. प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. तो उसने उसको इन्वाइट करा था क्योंकि राजवीर कहाँ रहते थे, दिल्ली में, वो उसके क्लासमेट से एट स्कूल इन दिल्ली. अब जैसे ही वो वहां पे आ रहे थे समर वेकेशन में टू विजिट प्रांजोल्स होम, तो स्टेशन में एज यूजुअल जहां भी गाड़ी रुकती है तो वैंडल्स क्या कहते हैं बच्चों, चाय गरम. ये सबका एक्सपीरियंस होगा जितने लोग जो है ट्रेन से अगर कहीं पे जाते हैं तो वैंडल्स क्या बोलते हैं, चाय गरम, गरम चाय. ए वेंडर कॉल्ड आउट ऑफ, और हाई पिच में क्यों बोलते हैं बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था हाई पिच में इसलिए बोलते हैं कि कहीं में भी कोई सो रहा है या आवाज नहीं गई है तो हाई पिच में दे कॉल्ड चाय गरम, चाय गरम. और सिमिलरली उन्होंने उनकी जो है विंडो में आके भी सेम बोला था, चाय साहब. दे ऑर्डर टू कप्स फॉर देम, ये किसने ऑर्डर दिया था, प्रांजोल ने दिया था, गिव अस टू कप्स. और वो गरम गरम, जैसे कल बताया था कि चाय में से क्या निकलती है बच्चों, स्टीम. और वो गरम गरम चाय जो है सिप कर रहे थे. और जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है डेटा क्या दिया उन्होंने कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड.
अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो ओवर 80 करोड़, तो आपको भी विश्वास नहीं होगा, आप भी जो है शॉक्ड हो जाएंगे कि 80 करोड़, वाओ एक्सक्लेम प्रांजोल, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था रियली। और इसका जो है रिप्लाई क्या करते हैं, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। और इसी तरह से जो है ट्रेन पुल आउट द स्टेशन, डिटेल में हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे। प्रांजोल बरेड हैज नोज हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और किस तरह से वो जो है अपने बुक में जो है बरीड थे, इट मींस डीप इंटरेस्ट ले रहे थे कि इसमें एक डिटेक्टिव बुक थी उसके पास। राजवी टू वाज एन आर्डेंट ऑफ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, राजवीर को भी पसंद था जो है डिटेक्टिव टू रीड द डिटेक्टिव स्टोरी, बट एट द मोमेंट ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। अब क्योंकि वो डाली में रहता है तो इतनी ग्रीनरी नहीं दिखी थी उसको, तो उसको लग रहा था कि ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर इट वॉज ग्रीन। राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे पहले इतनी हरियाली जो है उसने कभी नहीं देखी थी, ही हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी गेव वे टू, और उसके बाद क्या आया था, वहां पेडी फील्ड्स आए थे, एंड आफ्टर दैट टी बुशेस। अगर आपने टी गार्डन देखे थे, कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बुशेस की तरह जैसे प्रॉनिंग करके रखते हैं उसको, और सारी कैसे रहती है बच्चों, लाइन में रहती है। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस, अ सी ऑफ टी बुशेस। कल भी मैंने आपको यस्टरडे भी डिस्कस, सी ऑफ टी बुशेस मीन सी कितना होता है, हमारा वास्ट होता है, तो जैसे हम सी को देखते हैं तो हमें दूर तक हमारी नजर जहां जाती है हमें पानी दिखाई देता है, सिमिलरली सी ऑफ टी, टी के भी जो गार्डन से टी गार्डन जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक यू कैन सी, आई यू कैन यू कुड सी एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां क्या दिखाई देगा, वास्ट ऑफ टी बुशेस, टी गार्डन स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, डॉर्फिंग द टेने टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज एंड अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली। जैसे कल जो है डिटेल में पढ़ा था हमने कि क्या पढ़ा था, कि जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, किसको हाइड कर देते हैं, जो वहां पे टी बुशेज हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, एमिड्स मीन्स मिडिल, तो यहाँ पे अगर रो बनी है किसकी रो बनी है, टी बुशेज की, सपोज ये कल भी मैंने आपको डायग्राम से बताया था, और इनके बीच में अगर कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ है तो ये किसको हाइड करें, किसको ड्वार्फ करें, टी बुशेस को ड्वार्फ करें, वो छोटे छोटे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्लियर। और जो क्या है ऑर्डरली, ऐसे करके जो है ऑर्डरली लगे, और इनके बीच में क्या है टॉल ट्रीज, डॉफिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर लॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग टॉल स्टडी स्ट्रॉन्ग शेड ट्रीज है, एंड अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और वो जो टी प्लांट्स है कैसे लग रहे हैं, लुक लाइक डॉल, डॉल लाइक फिगर्स, डॉल की तरह लग रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं साइड में क्या हो रहे हैं उनके टॉल ट्रीज, एंड इन बिटवीन दम टी प्लांट्स डॉफिंग द टाइनी प्लांट्स डॉल लाइक फिगर्स इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली, और उसी से अगर थोड़े डिस्टेंस में अगर यू कैन सी क्या देख सकते हैं आप, अगली बिल्डिंग विद अ स्मोक बिलोइंग, और जहां से क्या निकल रहा है स्मोक, क्या निकल रहा है वहां से स्मोक निकल रहा है ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, क्योंकि ही वॉज वेरी एक्साइटेड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, कभी पहले नहीं देखी थी, तो वो बहुत खुश होकर बोलता है इटी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, जैसे उसके फादर भी क्या थे मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन,
तो वो इतने एक्साइटेड नहीं थे एंड डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, और उन्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ था जब व्हेन ही सेड ए टी गार्डन, ही डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट ऑन दिस इस टी गार्डन नाउ, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है एक टी गार्डन. He said, Assam has the largest concentration of plantation in the world. और जैसे आप लोगों को भी पता है कि अगर हम जीके को देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया का या वर्ल्ड में, असम. असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. तो यहाँ उसने कहा असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू लाइफ टाइम. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. राजवीर सेड नो वन रियली नोज. क्या आपको पता है? नहीं पता है. राजवीर ने उसे कहा नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट आर मैनी लेजेंड्स. उसने कहा आप लोगों को भी नहीं पता है बट मैंने जो है किताबों में बुक फ्रॉम द बुक आई नो मैनी लेजेंड्स हु डिस्कवर टी. वॉट लेजेंड्स? वेल देर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर. अब उसने कहा कि भाई दो लेजेंड्स आप बोल रहे हैं, कौन कौन सी है वो? राइट, हु ऑलवेज बॉइल्ड. अब उन्होंने कहा एक चाइनीज एम्परर थे, तो इट इज फ्रॉम द चाइना. चाइना की एक स्टोरी है कि चाइनीज एम्परर थे, ही ऑलवेज यूज टू बॉइल द वॉटर टू ड्रिंक. हमेशा क्या करते थे? हु ऑलवेज बॉइल्ड वॉटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. अब कईयों की हैबिट होती है कि हमें भाई बॉइल्ड पानी ही पीना है, तो उनकी ऐसी एक चाइनीज एम्परर थे, ही ऑलवेज बॉइल्ड वॉटर बिफोर ड्रिंकिंग. वन डे अ फ्यू लीव्स. अब एक दिन क्या हुआ था बच्चों कि फ्यू लीव्स ऑफ द ट्वीग. अब जैसे कल बताया था कि मैंने पौधा होता है उसके जो कोमल पत्तियां होती है ऊपर की, तो ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, और जो पॉट उन्होंने रखा था पानी गर्म करने के लिए, फेल इनटू दैट पॉट, फेल इनटू द वॉटर, गिविंग इट अ डिलीशियस, और बहुत अच्छा उन्होंने उसको क्या दिया था, फ्लेवर दिया था, इट डिलीशियस फ्लेवर. इट इज सेड दे वर टी लीव्स. अब उन्होंने उसका क्या बोला कि ये कैसी हैं जिन्होंने फ्लेवर दिया उसे, टी लीव्स, चाय की पत्तियां. टेल मी अनदर, स्काउट प्रांजल. अब प्रांजल को इंटरेस्ट आ रहा था, उसने कहा भाई टेल मी द अदर लेजेंड, कौन सी दूसरी स्टोरी है, प्लीज टेल मी द अनदर, क्योंकि उसे पहले नहीं पता था कि हु डिस्कवर्ड या कौन सी स्टोरी इज बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ दिस टी. हु डिस्कवर टी? ही सेड टेल मी द अनदर. We have an Indian legend too. अब उन्होंने कहा एक इंडियन लेजेंड है, कौन है वो? Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids. अब eyelids क्या? हमारे shutter of the eye. तो वो क्या करते थे? जब भी meditation करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं नींद ना आ जाए, तो इसके लिए वो क्या करते थे? Cut off his eyelids. Eyelids को cut करते थे because he felt sleepy during meditation. क्योंकि जब भी मेडिटेशन करते थे उन्हें नींद सी जो है फेल्ट ऐसा फेल करते थे, वो फील करते थे. अब जो उन्होंने आईलिड्स अपनी कट ऑफ करी थी, 10 टी लीव्स, 10 टी प्लांट्स. अब कितने प्लांट्स निकले उसे? 10 ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर ड्रंक बैनिश्ड आई स्लीप. तो जैसे ही उन्होंने इसको पिया, उनकी लीव्स को उन्होंने पानी में डाला और उसको जैसे ही ड्रंक करा, तो उनकी नींद क्या हुई? गायब हो गई, वैनिश्ड हो गई, बैनिश्ड या वैनिश्ड, राइट? नींद उड़ गई. तो आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है, कभी हम चाय पीते हैं तो कहते हैं ना अरे नींद आ रही, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी. तो हम चाय पीते हैं तो चाय क्या हो जाती है? हमारी भी बैनिश्ड हो जाती है, राइट? तो सिमिलरली उन्होंने भी एक्सपीरियंस करा था कि लीव्स, द लीव्स ऑफ दीज 10 प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. सबसे पहले चाय कहाँ पी थी? फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC. इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी, ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं अपने डेली उसमें, चाय, चीनी, तो ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं? चाइना से, फ्रॉम चाइना. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन. और ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ तो भाई मॉर्निंग में पीनी है, आफ्टरनून में पीनी है, इवनिंग में पीनी है चाय, बट यहाँ पे एज अ ड्रिंक.
वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. कोई भी जो हमारी लिक्विड जो ड्रिंक होती है उसको क्या कहते हैं हम, बेवरेज. द ट्रेन क्लटर्ड इनटू मैरानी जंक्शन, और उसी टाइम एट द सेम टाइम द ट्रेन क्लटर्ड. मैरानी जंक्शन आया, वहां पे रुकते रुकने से पहले आवाज करती है ट्रेन, तो सेम जो है उसको क्या बोलते हैं, क्लटर्ड. द बॉयज कलेक्टेड, अब बॉयज ने क्या करा, दे कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. और सबको पता है कि प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन में कितना प्लेटफॉर्म में कितना रश रहता है, क्राउडेड रहता है. तो दे ट्राई टू मेक देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. प्रांजुल्स फादर वर वेटिंग फॉर देम, और जो उनके पेरेंट्स थे दे वर वेटिंग एट द स्टेशन. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकाबारी द टी गार्डन. और देकाबारी क्या है, देकाबारी वो टी गार्डन है जिसको कौन मैनेज करता है, कौन मैनेजर है उसके, प्रांजुल्स फादर, उनका नाम है मिस्टर बर्वा, वो आगे आएगा नेक्स्ट. एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और थोड़ी देर में क्या हुआ, ट्रेन ने एक कट लिया और सीधे कहां पहुंच गए, मेन रोड में. दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर देकाबारी टी स्टेट, और उन्होंने वहां पे एक ब्रिज पड़ा रास्ते में ऑन द वे, एंड दे क्रॉस द ब्रिज एंड एंटर देकाबारी टी स्टेट. अब फाइनली दे रीच देयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड. अब ग्रेवल में छोटे छोटे पत्थर की जो है सड़क थी, और दोनों साइड में वर एकर अपॉन एकर ऑफ टू टी बुशेस. इट मीन्स क्या था बच्चों, कि बीच में क्या थी, रोड, और इसमें किसकी थी, ग्रेवल की, मतलब बिल्कुल मेटल रोड नहीं थी, ग्रेवल्स पड़े थे इसमें छोटे छोटे. और बोथ साइड एकर्स, एकर्स में क्या थे, एक ही साइड नहीं थी बच्चों, दोनों साइड, बोथ साइड टी बुशेस, पर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ द रोड क्या थे वहां पे, टी बुशेस लाइक दिस, कि बीच में रोड थी, और रोड भी कैसी थी, पेबल ग्रेवल की, राइट, ग्रेवल रोड. वर एकर अपॉन एकर, मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी एरिया में थी, एकर्स एंड एकर्स, बहुत दूर दूर तक जो है टी बुशेस जो है फैली हुई थी, स्ट्रेच था पूरा एरिया. क्लियर, नीटली प्रोन्ड. अब प्रोन्ड क्या होता है बच्चों, ऊपर से उसकी जो कटिंग करती है, प्रोन कटिंग करते हैं टू द सेम हाइट. अब ये नहीं कि एक छोटा कर दिया एक बड़ा कर दिया, सेम हाइट की जो है वो कटिंग करते थे. प्रोन टू द सेम हाइट ग्रुप, और ये, और जैसे आप लोगों ने देखा होगा टी गार्डन, अगर देखा होगा तो टी गार्डन में देखा होगा कि जो बुशेस होती है टी गार्डन की रो में होती है और सेम साइज की होती है. प्रोन टू द सेम हाइट ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स. अब ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स कौन थे, जो चाय पत्ती को तोड़ते हैं, प्लकर्स में तोड़ना, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट, और उनके बैक में क्या होती है, एक बड़ी सी बैम्बू बास्केट रहती है. बैम्बू मीन्स बांस की बनी होती है, मेड ऑफ बैम्बू, बांस की बास्केट होती है बड़ी बड़ी, और उनको अपने बैक में लगाते हैं. और वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और अपने कपड़ों के ऊपर क्या पहनते हैं, एक एप्रन पहनते हैं, और किसका बना होता है, प्लास्टिक का. क्लियर, बैम्बू बास्केट, अगर आपने देखा होगा, अगर वहां की जो लेडीज होते हैं या जेंट्स होते हैं क्या करते हैं, एक पीछे बास्केट रहती है और एक एप्रन पहनते हैं, किसका बना होता है, प्लास्टिक का, और बास्केट इज मेड ऑफ बैम्बू, क्योंकि वहां पे बैम्बू होते हैं, तो इसलिए बास्केट किसकी होती है, और लाइट वेट होती है, तो वो अपने बैक में लगाते हैं. ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. ये नहीं है कि पुरानी पुरानी लीव्स को, वो स्प्राउटेड किसको तोड़ते हैं, वो जो स्प्राउट हुई है, नई नई कोमल पत्तियां आई हैं, उनको क्या करते हैं, वो प्लक करते हैं एंड पुट देम इन द बास्केट. क्लियर, प्रांजुल्स फादर फ्लोट
डाउन टू अलाउ, अब उन्होंने अपनी गाड़ी को क्या करा, थोड़ा सा स्लो डाउन करा, स्पीड कम करी, टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब उन्होंने क्या करा, अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर है और वो जो है पुल कर रहा था एक ट्रेलर जो किससे लोडेड था, लोडेड ऑफ टी लीव्स टू पास। उन्होंने ही स्लो डाउन हिज व्हीकल, अपने व्हीकल को स्लो डाउन करा, टू अलाउ या टू पास द ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। क्लियर, दिस इज द सेकेंड फ्लश। अब व्हाट डू यू मीन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड फ्लश, मीन सेकेंड टाइम था ये उनको तोड़ने का, प्लग करने का। और स्प्राउटेड पीरियड, इजंट इट मिस्टर बर्मा। अब बर्मा कौन है, अब आप थोड़ा सा स्ट्रेंज होंगे कि मिस्टर बर्मा कौन है, मिस्टर बर्मा कौन है, प्रांजोल फादर। क्लियर, कंफ्यूज ना हो, तो मिस्टर बर्मा प्रांजोल फादर। ये बच्चों क्या है, अपोस्ट्रोफी कैसे, प्रांजोल के फादर। क्लियर, तो मिस्टर बर्मा क्लियर हो गया आपको कौन है। तो उन्होंने उससे पूछा, ही आस्क्ड कि दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, कि अभी स्प्राउटिंग पीरियड है या सेकेंड फ्लश है। तोड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक ग्रुप ऑफ प्लकर्स जो वहां पे तोड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, प्रूनिंग जो स्प्राउटेड लीव्स हैं, प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स। तो वहां पे एक ग्रुप था टी प्लकर्स का, और उन्होंने क्या कह रहा था बच्चों, विद ए बेम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, और क्या वियर करा हुआ था, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। इसी समय एट द सेम टाइम ही आस्क्ड टू मिस्टर बर्मा, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट। किसने पूछा, किसने पूछा बच्चों, हु सेड टू हू, या हु आस्क्ड टू हू, राजवीर आस्क्ड टू मिस्टर बर्मा प्रांजोल्स फादर, राजवीर आस्क्ड, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे। क्यों थे एक्साइटेड, टू नो मोर अबाउट द टी प्लांट्स, इट लास्ट फॉर मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। उन्होंने कहा सबसे जो है इट लास्ट कब तक होती है, मे टू जुलाई, और ये जो है इस समय जो है सबसे बढ़िया टी जो होती है, यील्ड्स द बेस्ट टी, मे टू जुलाई। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब वो उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है, इट सीम कि आप लोगों ने जो है यू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले, आई होप आप लोगों ने जो है, ऐसा लग रहा है उनको, यू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले आपने काम कर लिया हो। प्रांजोल फादर सेड टू सरप्राइज, अब वो जो है इन सरप्राइज, क्योंकि वो इतने फ्रीली इतने मजे से जो है अपना एंजॉय कर रहे थे टी गार्डन को, तो उन्हें लग रहा था कि थोड़ा, उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा लग रहा है और थोड़ा सा सरप्राइज है कि आप लोगों ने काम कर लिया होगा बिफोर कमिंग हियर। यस मिस्टर बर्मा, राजवीर एडमिटेड, और उसने बिल्कुल उसको एडमिट करा कि आप जो कह रहे हैं इट इज राइट, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। यस मिस्टर बर्मा, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। और उसने कहा कि भाई मैं जब यहां आया हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो है सीखना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ, आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, कि मैं यहाँ आया हूँ और प्रैक्टिकली जो है मैं इतनी ग्रीनरी देख रहा हूँ, जो कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ही हैड नेवर सीन सच ग्रीनरी बिफोर, पहले कभी नहीं देखी थी, तो बहुत ज्यादा ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो वो ही से तो मिस्टर बर्मा, I hope to learn much more while I'm here. कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है सीखना चाहता हूँ। तो बच्चों that's all about this chapter. तो हमने कौन कौन सी तीन स्टोरी पढ़ी है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड हमने पढ़ी है कुर्ग इन कर्नाटका, जो जिसको क्या बोलते हैं, पीस ऑफ हेवन,
इतनी ब्यूटीफुल है, विजिटर्स वहां आते हैं, वहां की वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था, वहां के लोगों के बारे में पढ़ा था हमने, और वहां की वेदर के बारे में हमने पढ़ा था, और वहां की प्लांट ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, एवरग्रीन ट्रीज, रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, क्लियर। एंड थर्ड स्टोरी, अ थी फ्रॉम असम। तो आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय करा होगा। जिस तरह से हमारे जो टाइटल है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, एक झलक दिखाई है, क्योंकि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है ये हमने इन तीन स्टोरी के थ्रू हमने देखा है, और ऐसी इतना वास्ट हमारा जो इंडिया है, और उसमें से थोड़े से हमने एक पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, गोवा के बारे में, कर्नाटका के बारे में, एंड असम, क्लियर। तो दिस इज द स्टोरी समरी ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो आई होप बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, चाहे फर्स्ट स्टोरी में, चाहे सेकंड स्टोरी में, और इन द थर्ड स्टोरी, ए बेकर फ्रॉम गोवा सेकंड इज योर, क्योंकि इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि बेकर को गोवा में किस नाम से पुकारा जाता है, या कौन सी ड्रेस पहनते हैं वो, या वहाँ के जो जिस तरह से कुर्ग के बारे में, वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में दे कैन आस्क द क्वेश्चन, सिमिलरली टी के बारे में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमने टी फ्रॉम असम में पढ़ा कि किस तरह से प्रांजोल और राजवीर जो है अपनी जो है किस तरह से राजवीर अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं किसके साथ, प्रांजोल, और उनके किस तरह से बताते हैं कि ये ओवर 80,000 80 करोड़ कप्स एवरी डे ड्रंक थ्रू आउट द वर्ल्ड। और भी लेजेंड्स बताए थे उन्हें, हु डिस्कवर्ड टी, क्लियर। तो कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, क्लियर। तो दिस इज द समरी, अ बेकर फ्रॉम गोवा। द लेसन बिगन्स विद हाउ नरेटर्स एल्डर्स ऑफन रिकॉल द टाइम। तो ये उस समय की बात है जब जो नरेटर हैं वो कब थे, एक छोटे मतलब यंग चाइल्डहुड की बात है उनकी, एट दैट टाइम कि उनकी एल्डर्स क्या बोलते थे। व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज, जैसे हमने पढ़ा था कि किस कब की बात है, व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ द पोर्तुगीज। ही टॉक हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इज स्टिल मेंटेन, कि कितनी इम्पोर्टेंस थी उस समय पोर्तुगीज के टाइम पे, और स्टिल द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इज स्टिल मेंटेन्ड, और अभी भी उनके जो फर्निसेस से अभी भी किस तरह से वहां पे हैं, और ब्रेड जो है अभी भी अगर गोवा में जाएंगे आप तो बेकिंग का बेकर्स का जो सामान होता है वो वहां पे अभी भी स्टिल इट इज फेमस, क्लियर। इन देयर विलेज इवन आफ्टर द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट, मतलब उस समय तो था इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर्स, कब, व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज, बट स्टिल आफ्टर द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट स्टिल इट्स फेमस, दे आर नोन एज पाडेज। उनको क्या बोलते थे, पाडेज इन गोवा, क्या बोलते हैं बच्चों, पाडेज इन गोवा। द मिक्सर्स मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड, अभी भी वहां पे क्या है, मिक्सर जिसमें वो मिक्स करते थे बेकिंग का सामान, जिसमें वो मोल्ड करते थे, जिसने शेप देने के लिए, जैसे हमने बताया था कि वहां पे मिक्सर था, फर्नेसेस थे, मोल्ड्स थे, मोल्ड्स क्या होते हैं जिसमें उनको शेप दी जाती है, राइट। एंड द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, और वहां पे क्या थे, बड़े बड़े फर्नेसेस थे, कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोव्स, अभी भी उतने ही फेमस है जितने वो पोर्तुगीज के टाइम पे थे, और जो उनके मिक्सर ग्राइंडर और मोल्डर्स फर्निसेस अभी भी कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोफ। इट इज पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन। ऑब्वियस है कि भाई जो यहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे बॉर्न हुआ है तो एक ना एक दिन ऊपर जाएगा, तो उनका जो है प्रोफेशन कैसा हो रहा है कि उनके फादर, फिर फोर फादर से फादर और देन सन, तो अभी भी उनका जो प्रोफेशन है वो नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट बट
their profession is being carried or continued by their son. उनके लड़के जो हैं अभी भी उस प्रोफेशन को अभी भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. द थर्ड ऑफ देयर बैम्बो स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज. अभी भी अगर आप गोवा के गांव में जाएंगे तो अभी भी यू कैन हर्ड द जो भी साउंड आ रहा है उनकी बैम्बो स्टिक से, अभी भी यू कैन हर्ड दैट साउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज. The same jingling thud would wake the narrator and his friend during their childhood. अब जो narrator यहाँ पे describe कर रहे हैं कि जब jingling जो आवाज आती थी उनकी bamboo से, उसकी आवाज सुनके वो और उनके friend अपने बचपन की बात बता रहे हैं. During their childhood, jingle thud would wake the narrator and his friend during their childhood days. Who would go running to him? अब बच्चों का होता है ना, अगर घंटी बजा रहे हैं जैसे आप लोग भी करते हैं, आइसक्रीम वाला आया तो दौड़ के, जैसे उसने घंटी बजाई और दौड़ के सारे बच्चे दौड़ते हैं. तो ये दिस इज द चाइल्डहुड, बचपन. इनोसेंटली बच्चे जो हैं दौड़ पड़ते हैं, चाहे मुंह धोया है, चाहे ब्रश करा है या नहीं करा है, जैसी जिंगलिंग की आवाज आती है दे हर्ड द साउंड, दे रैन टू द पादेस, उसकी तरफ वो भागते हैं, टुवर्ड्स द पाथ. हु वुड गो रनिंग टू हिम विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ प्रॉपरली. जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस करा कि विदाउट, ये बॉदर नहीं करते हैं कि वेदर दे हैव ब्रश्ड और नॉट, वेदर दे वॉश देयर माउथ और नॉट, बट दे रैन टू हिम, भागते हैं. इट वॉज द मेड सर्वेंट of the house who collected the loaves. अब जो maid servant होती है वो क्या करती है, collected the loaves. अब जितनी चाहिए उतनी collect करती है. While children sorted out the bread bangles for themselves. और बच्चे किस लिए जाते हैं भाग के, कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर ब्रेड बैंगल्स जो उनको लाइक करते हैं, ब्रेड बैंगल्स मीन्स ब्रेड को जो है बैंगल की शेप में लाते थे वो, और वो बास्केट में क्या झांक के देखते थे कि भाई उसमें ब्रेड बैंगल्स है कि नहीं. बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर. अब ये नहीं कि बच्चे ये हम घर में ही यूज करें, बट इसकी इम्पोर्टेंस किस में, इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा. अगर हम वहां पे देखेंगे बॉल और स्वीट ब्रेड में, अभी क्वेश्चन भी है बच्चों एक ऐसा कि बॉल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट. अगर किसी की शादी होती है तो वहां पे क्या बनता है, स्वीट बॉल और स्वीट ब्रेड. केक्स एंड बॉल इन हार्स और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल. कोई भी त्योहार होता है तो अलग अलग फेस्टिवल, देखो ट्रेडिशन क्या, कल्चर क्या, कि अगर मैरिज हो रही तो दे लाइक बॉल और स्वीट, या दे मेक बॉल और स्वीट ब्रेड. बट कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई ओकेशन होता है, केक्स एंड बॉल एंड हार्स और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट. और अगर किसी की जो है लड़की की एंगेजमेंट होती है तो जो घर की जो लेडीज होती हैं वो क्या बनाती हैं, सैंडविचेस. तो हर ओकेशन में वो अलग अलग चीजें जो है बनाते हैं. Earlier bakers wore a unique frock. अब पहले अगर हम उनकी ड्रेस की बात करें तो they wore a unique frock of knee length means घुटने तक उनकी एक लॉन्ग फ्रॉक होती है, वन पीस. वो क्या करते हैं, वोर. अर्लियर बेकर्स, पहले के बेकर्स, अभी आप देखेंगे तो हाफ पेंच में रहते हैं, क्लियर. Wore a unique frock of knee length known as kabai. उसको क्या बोलते हैं, kabai. But during the narrator's childhood days, they wore a shirt and trousers of length slightly shorter than the usual ones. मतलब पूरा पूरा ट्राउजर नहीं होता है, उससे ऊपर नी से थोड़ा लंबा, but not full length. Clear? And one shirt. Their bills. अगर हम उनके पेमेंट की बात करेंगे कि कैसे उन्हें पता रहता है कि भाई इस घर में कितनी ब्रेड गई है डेली, कैसे करते हैं, दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ.
और उससे पहले क्या करते हैं, वॉल में विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल वो लिखते हैं कि कितनी ब्रेड किसकी आ गई, और टोटल करके एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दे कलेक्टेड द मनी और अमाउंट। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बेकरी हैज कंटिन्यूड टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्परस। अब उस समय इतना इसका जो है बेकरी, सब जो है कोई ओकेशन होगा या कोई एंगेजमेंट होगा या कोई फेस्टिवल होगा, एवरी टाइम दे यूज ब्रेड, तो इट इज द प्रॉफिटेबल जॉब प्रोफेशन, और जिससे दे कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्परस, मतलब कोई कमी नहीं रहती थी, प्रॉफिटेबल जॉब था। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे। तो आई होप वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दीज आर क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पे भी आपको डाउट है या समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स और डाउट्स। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।